इसने अभी मेरे को टक्कर मारी है, ये जो भी सरकारी गाड़ी है इलेक्ट्रिक 621 पूर्वांचल हॉस्टल। ये इसका नंबर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये इसका नंबर है, इसने भी टक्कर मारी और मैं इसके पीछे भगा रहा हूँ, पर ये रोक नहीं रहा गाड़ी, भगा के ले गया गाड़ी। मैं मेरे को रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं हम लोग, पर उसने नहीं करा, उसने रेड लाइट जंप करी और वो भाग गया। और ये वाला जो किस्सा हुआ है ना, ये हुआ है कैसे बताऊँ मैं एग्जैक्टली, जो 5 सेक्टर है आर के पुरम का उसके पास में, ठीक है। तो गाइज मुझे नहीं पता इसके बारे में कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं, तो अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, मैं कंप्लेन डेफिनेटली डालूंगा। हद हो गई, मतलब कि सरकार के बंदे भी ऐसा कर रहे हैं तो हो गया फिर। देखो ये लगी टक्कर यहाँ से, ठीक है, ये टक्कर मारी है पूरी, ठीक है, और ये मार के ये खुल गया। देखो मतलब अब ये खर्चा पता नहीं कौन देगा, ठीक है ना। ये एक स्क्रैच यहाँ पर आया है, बाकी तो बच गई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस बात ऐसी थी कि मैं अपना अपनी साइड पे चला रहा था और मेरे एक साइड से सब लोग वो पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ रहे थे, तो मैं अपना नॉर्मल जा रहा था। वो पीछे से लाता है फुल स्पीड गाड़ी और फुल स्पीड ला के मेरे को साइड से हिट करा, मेरी गाड़ी ऐसे से बैलेंस वो हुई। और जब मैं पीछे से हॉर्न मार रहा हूँ या फिर मैं पीछे से साइड लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर बस है, तो मेरे को ये भी देखना है कि अगर मैं साइड लेके आ रहा हूँ तो किसी बंदे को ना उड़ा दूँ गलती से, तो ये चीज़ का ध्यान रखते रखते। बट फिर मेरे को रेड लाइट पर रुकना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है, बट वो भगा के चला गया, मतलब हद्दी है यार। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि 4:30 बजे का वक्त हो रहा है, तो जस्ट इन केस अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है और इस चीज़ को ट्रेस कर सकता है तो मुझे बताए ज़रूर। 4:30 बजे का टाइम आर के पुरम सेक्टर 5 की तरफ से आ रहा था बंदा, और ये बस का जो भी रूट है, रूट मैंने डाल ही दिया है, तो मुझे बताओ इस समय कौन चलाता है, मुझे बात करनी है। बाकी का सब तो चीज़ डिफरेंट है, मुझे रोक के भी एक बार ये नहीं कि भाई चलो मुझसे टक्कर लग गई तो सॉरी या कुछ, ठीक है। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब कानून भी यही बना रही है सरकार, और सरकारी बसी भी बना रही है, और पीछे लिखा हुआ है कि अगर मैं बस लेन में नहीं चला रहा तो कृपया करके इस नंबर पे कॉल करें या कुछ है। तो गाइस मुझे बताओ मेरे को कैसे आगे इस पर रिएक्ट करना चाहिए, प्लीज़। मेरा ये गौतम बुद्ध है, ये आके मुझे शांति देता है, शांति। मुझे गुस्सा आ रहा है, तो स्किन बहुत तगड़ी आ रही है, दिखा अच्छी स्किन लाता है, अच्छी स्किन कैसे करी मुझे बता, अच्छी स्किन कैसे है तेरी। मैं धूप में नहीं घूमती। मेरा सबसे खास भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। एस एस गारमेंट्स देख लो, एक नंबर टी शर्ट्स लिए हैं दो, बढ़िया, और दिलाई है मुझे उपासना ने। हाय बोलो भाई व्लॉग में। Hello. भाई का नाम क्या है? अरुण। भाई सबसे बेहतरीन शॉप है ये वाली, अगर कहते हो कटवारिया सर आए तो सबसे बेहतरीन शॉप है भाई। अबे ऊपर तो देख ले, तू भी देख ले। ओए बड़ी, ओ बड़ी, ओए ओए, ओके गाइस, तो मेरा 40 हो गया है शुरू, और उसी के साथ हो रही है बेहतरीन बारिश, इसका मतलब ये है गुड लक। सो तुम लोगों को मैं बस यही बोलूंगा कि भाई फुल पावर वीडियोस को फैलाना ताकि तुम लोगों को मजा आए। आज जो वीडियो पे मैंने डांस किया है वो है बिल्लो बग ये बिल्ली दर्की करेगी, ये बस टाइम पे सही बोला। तुम गाना जरा इस गाने को, बिल्लो बग अमन गई हो बिल्लो, एक बार ट्राई तो कर। ये तो अब्बा डब्बा जब्बा है। ओके गाइस, बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है, पर इसके बीच में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे राइड्स हो रहे हैं हरियाणा में जो हमें देखने को मिले हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहें तो थोड़ी पीस और हार्मोनी को फॉलोअप कर सकते हैं, और जितने भी हीरो हमारे इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको सामने आना चाहिए टू एजुकेट पीपल, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें यार बेकार है, ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटे से बच्चे के हाथ में कांच घुस गया, ये सब चीज़ें उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो जिसकी भी गलती है वो एक्चुअली में इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जिनकी गलतियां नहीं है उनको अफेक्ट होना पड़ रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ गाइस वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मेरे को व्लॉग डालने के लिए भी दिल्ली साइड अपने स्टूडियो आना पड़ता है, और तभी मैं व्लॉग डाल पाता हूँ। तो बड़ा मतलब बहुत ही गंदा सिचुएशन सा ये हो रहा है। तुम्हें इस मैटर पर क्या बोलना है? तो नॉन वायलेंस की तरफ जाना चाहिए, एंड यस जो पावर में लोग हैं उन्हें थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए अबाउट सिचुएशन।
ठीक है गाइस, तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा पीस बना के रखें, अच्छे से रहें। आज भी जो एक एग्जाम्पल मतलब मैं देना चाहता हूँ कि आज भी मेरे साथ जो हुआ उस बस वाले का, कि उस बस वाले ने मेरी गाड़ी को हिट किया, उसके बाद वो भाग गया वहाँ से। आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो भी चीज़ें हो जाती हैं गलत, बट देन फिर भी फालतू के नारे सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हेटरेट बन रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के या फिर किसी पर्टिकुलर विचारधारा के बहुत फेवर में हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं करेंगी, तो हमें इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो मेरे साथ आज हुआ, आई एम श्योर दिल्ली में रोड्स पे ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, और रैश ड्राइविंग बोलते हैं ना, रैश ड्राइविंग की वजह से, और स्पेशली ये बस ड्राइवर्स या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो बड़ी हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, उनकी तरफ से ऐसा बहुत होता है। आपकी छोटी सी लैब पर भाई किसी छोटी गाड़ी को या फिर किसी छोटे इंसान जो रोड पर चल रहा है उसको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकती है। तो मैं बस यही बोलूँगा गाइस, थोड़ा सा सेफली चलाओ, अच्छे से चलाओ। बाकी इस वीडियो को हम छोटा ही रखेंगे, वापस से मिलूँगा मैं आपसे कल एक नए वीडियो में। ये 40 जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत नॉन स्टॉप बैक टू बैक 39 वीडियोज़ अब मैंने डाली हैं, क्योंकि एक दिन मेरा मिस आउट हो गया था, और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही लेता हूँ कि वो मुझसे मिस आउट हो गया। और मैंने बहुत सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर काम चलते रहना चाहिए। सो यस गाइस, बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बता देना दोस्त। कल मिलेंगे, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ अपडेट्स आपको देनी है, प्लस और भी काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी मुझे कॉमेंट्स में लिख के ज़रूर बता देना कि मेरे को क्या नया और करना चाहिए, मैं आपके लिए क्रिएटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। सी यू गाइस। ओए हेलो हेलो, अबे हेलो नहीं, बाय का टाइम है कदे।